दोस्तों क्रिकेट में अक्सर एक बड़ी पारी टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचा देती है। अगर यह पारी सलामी जोड़ी की हो तो फिर क्या कहने। अच्छी शुरुआत के बाद ही टीम बड़े स्कोर की कल्पना करती है या किसी बड़े स्कोर का पीछा करते हुए जीत दर्ज करती है। अगर शुरुआत खराब रहे तो बाकी बचे बल्लेबाज भी दबाव में खेलने लग जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको 5 ऐसी खतरनाक सलामी जोड़ियों के बारे में बताएंगे जिनसे दिग्गज गेंदबाज भी खौफ खाते थे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। एडम गिलक्रिस्ट और मार्क वा। गिलक्रिस्ट को दुनिया का सबसे आक्रामक बल्लेबाजों में शुमार किया जाता है। वे एक समय में सलामी जोड़ी के तौर पर ऑस्ट्रेलिया के लिए पारी का आगाज करते थे। उनकी आक्रामकता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इन दोनों ने तब के नामी गेंदबाज पाकिस्तान के वसीम अकरम और शोएब अख्तर को 1999 विश्व कप में जमकर धोया था। 4 साल तक ऑस्ट्रेलिया के लिए पारी का आगाज करने वाली इस जोड़ी ने 93 पारियों में 41.43 के औसत से 3853 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 8 शतकीय और 20 अर्धशतकीय साझेदारियां की। वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर। सहवाग और तेंदुलकर की सलामी जोड़ी काफ़ी मशहूर थी। एक तरफ सचिन थे जिनके पास धैर्य और कई सारे शॉट थे, तो दूसरी तरफ सहवाग थे जिन्हें सिर्फ एक ही मंत्र पता था, गेंद आए तो उसे बाउंड्री के बाहर भेजना है। इस जोड़ी ने कई मैचों में भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका अदा की। एक दिवसीय मैचों की 57 पारियों में इस जोड़ी ने 43.19 की औसत से 2459 रन बटोरे। इसमें 9 शतकीय और 10 अर्धशतकीय पारियां शामिल हैं। मरवन अट्टापट्टू और सनत जयसूर्या। जयसूर्या और अट्टापट्टू की जोड़ी भी कमाल की थी। एक समय में जब श्रीलंका की टीम स्वर्णिम दौर से गुजर रही थी, तब जयसूर्या और अट्टापट्टू की सलामी जोड़ी भी खूब रन बटोर रही थी। जयसूर्या को एक बेहद ही आक्रामक बल्लेबाज के तौर पर जाना जाता है, लेकिन उनके जोड़ीदार अट्टापट्टू काफ़ी धैर्य और सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते थे। इस सलामी जोड़ी ने 79 इनिंग में 43.92 की औसत से 3382 रन बनाए। इसमें 8 शतकीय और 19 अर्धशतकीय पारी शामिल हैं। एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडन। एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडन की सलामी जोड़ी को भरोसेमंद जोड़ियों में शामिल किया जाता है। इन दोनों का मैच का पहले 10 ओवर तक खेलने का मतलब होता था कि ऑस्ट्रेलिया या तो मैच जीतता या फिर एक बड़ा स्कोर बनाता था। ये दोनों गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटते थे। इन दोनों की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया को 2003 और 2007 का विश्व कप जीतने में अहम भूमिका निभाई। इन दोनों ने 114 पारियों में 16 शतकीय और 29 अर्धशतकीय साझेदारियों की बदौलत 5372 रन बनाए। सचिन तेंदुलकर और सौरभ गांगुली। गांगुली और सचिन की सलामी जोड़ी को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सलामी जोड़ियों में गिना जाता है। बाएं और दाएं हाथ के इस साझेदारी से दुनिया के दिग्गज गेंदबाज भी खौफ खाते थे। जब ये दोनों क्रीज पर होते तो अच्छे अच्छे गेंदबाजों की सामत आ जाती थी। इस जोड़ी की सबसे खास बात है कि इसने देश हो या विदेश दोनों जगह रन बनाए हैं। इन दोनों की जोड़ी ने भारत के लिए 136 मैचों में ओपनिंग की है। इस दौरान इन्होंने 49.32 की औसत से 6609 रन बनाए। इस दौरान इन्होंने 21 शतकीय और 23 अर्धशतकीय साझेदारियां भी की हैं।